नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताजा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी, इसके अलावा आम लोगों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो हिमाचल सरकार ने ओपीएस के लिए लिया लोन, 3 महीने में दूसरी बार 2000 करोड़ लिए, सैलरी पेंशन देनी, ओपीएस 1500 का वादा भी पूरा करना। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुखू सरकार फिर से कर्ज लेगी। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए का लोन लेगी। 3 महीने में यह दूसरी बार है जब राज्य सरकार कर्ज लेने को मजबूर हुई है। इससे पहले सरकार ने जनवरी में 1500 करोड़ का कर्ज लिया था। इस कर्ज के लेने के साथ ही हिमाचल पर कर्ज की राशि 78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार के ऊपर कर्मचारियों की देनदारियां लंबित हैं। वहीं कांग्रेस सरकार को अपने कई वादे पूरे करने हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत है। वहीं सुखू सरकार 2 किस्तों में कर्ज लेगी। इसमें से 1300 करोड़ 15 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि दूसरा 700 करोड़ का कर्ज 9 साल के लिए लिया जाएगा। इसके लिए आरबीआई के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया 21 फरवरी को होगी और 22 फरवरी को यह राशि प्रदेश सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। हालांकि पहले राज्य सरकार राज्य की जीडीपी का 4% कर्ज ले सकती थी, लेकिन सुखू सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ाकर 6% कर दी है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया था। वहीं इस वित्त वर्ष में कर्ज 11,500 करोड़ हो जाएगा और हिमाचल पर कर्ज बढ़कर 78,000 करोड़ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि दरअसल सुखू सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च हो रहा है। सरकार ने कई वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए हैं, जिसमें ओपीएस की बहाली सबसे बड़ा वादा और घोषणा है। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेने के लिए मजबूर हो रही है। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल सरकार ने ओपीएस के लिए एक बार फिर से लोन लिया है। तो 3 महीने में ये दूसरी बार सरकार ने लोन लिया है, तो इस लोन का प्रयोग कर्मचारियों की सैलरी पेंशन के लिए खर्च होगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भी 1500 रुपये देने का वादा सरकार ने कर रखा है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।